वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंट्री ना हो। और दूसरा, ये जो बोल रहा है ना, ये तो पाकिस्तान वाले जो हैं, ये तो चाहेंगे कि चाइनीज का कोई सिस्टम आ जाए पैसों वैसों से रिलेटेड, और चाइनीज, हाँ वो ब्रिक्स में कोशिश होगी, ब्रिक्स में रशिया और चाइना आर गोइंग टू मेक देयर ओन सिस्टम, और रशिया को भी चाहिए ये सिस्टम, तो इन दोनों का कोशिश तो यही होगी, पर इंडिया के लिए ये अभी फायदेमंद नहीं है। हाँ, यूपीआई ले आओ तो बहुत अच्छी बात है, फिर ओके। देखिए, ब्रिक्स में वही है, रशिया और चाइना है, और चाइना मेन है ब्रिक्स में भी। चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका प्रॉफिट हो और रशिया का प्रॉफिट हो, दे डोंट केयर अबाउट इंडिया टू बी फ्रैंक। तो पता चल जाएगा, हाँ टाइम से पता चल जाएगा, पर ये अच्छा है कि मोदी जी कह रहे हैं, अभी कल ही बात हुई है मोदी जी से, और मोदी जी बार बार यही दिखाते हैं लड़ाई से जाना तो पड़ेगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो तो पूरा हेयर स्टाइल सभी चेंज है, और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी अब भी की है, एफबीआर ने कहा जो टैक्स इकट्ठा किया वो कर्ज में चला गया। लेकिन हमारा जो एक्चुअल मेन इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी इकोनॉमी भी बैंक करती है, डिफेंस भी बैंक करती है, और हमारे रिलेशंस भी बैंक करते हैं, वो है हिंदुस्तान के साथ। हमने हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना है। लोग बिलों की अदायगी के लिए कीमती चीजें बेच रहे हैं, देखो सारे यहाँ से वाइट और पीछे ब्लैक कीमतें अभी हमारे वो मैच हो रहे कपड़ों के साथ, तीन गुना ज्यादा है यार, क्या है? पर हम उनके बगैर नहीं चल सकते। इसकी वजह ये है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। ये पाकिस्तानी होने की कीमत चुकाई जा रही है या वसूली जा रही है? ये जमहूरियां हैं या जगह हैं? तीन गुना ज्यादा जगह। यू आर एट द मर्सी ऑफ इंडिया इन केस यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। पाकिस्तान को हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन विवाद पर सवाल हुआ था। इस पर जवाब देते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा, जब भी बातचीत होती है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का आभार भी व्यक्त करते हैं। आपको यहाँ बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करना आसान नहीं है, इसकी कोई समय सीमा तय करना मुश्किल और प्रतिकूल होगा। हालांकि उन्होंने रूस की जीत का दावा जरूर किया। दरअसल भारत के रूस से दशकों पुराने संबंध हैं और यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं, ऐसे में उनकी किसी शांति समझौते में भूमिका निभाने की उम्मीद भी की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है पुरानी मूवी की क्लिपिंग आ रही है, लाइटिंग कम है, और वहां पे बड़ा चर्चा रहा उनका रिपब्लिक डे पे। तो उसी के साथ आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि और इनमें से एक भी चीज पाकिस्तान के पास नहीं है, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की? न्यू जनरेशन को बता रहे हो कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीखे। वो कौन से सबक सीखना है? अच्छा, लेसन सीखना है, उसको सबक सीखना है, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है, ये मैं इसके ऊपर इसलिए प्रोग्राम सीखना है बोला ना, सबक सीखना है, अगर आपको सीखना है तो इससे सीखो, ऐसे बोलते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू, सबक सिखाना तो इंडिया सिखाएगा तुमको सबक, उनको तो कुछ भी नहीं आता, गेम्स नहीं खेलता, और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है।
इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। तो तुम्हारी क्या कैदी फॉरेन पॉलिसी है, कुछ और करेंगे क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे। मुझे इनके वीडियो सजेस्ट मत किया करो, मुझे बता रहे हैं नॉट रियली दैट एजुकेटेड जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और आज खबर आई थी सुबह जो जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं क्या जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ जिसे कहते हैं वी फॉरगेट थिंग्स। सो अभी लग ही रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है कहां ब्रिक्स में 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं ना करने के आना है मोदी जी। ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान एंट्री ना हो। और दूसरा ये जो बोल रहा है ना ये तो पाकिस्तान वाले जो हैं ये तो चाहेंगे कि चाइनीज का कोई सिस्टम आ जाए पैसों वैसों से रिलेटेड और चाइनीज हाँ वो ब्रिक्स में कोशिश होगी ब्रिक्स में रशिया और चाइना आर गोइंग टू मेक देयर ओन सिस्टम और रशिया को भी चाहिए ये सिस्टम तो इन दोनों का कोशिश तो यही होगी पर इंडिया के लिए ये अभी फायदेमंद नहीं है। हाँ यूपीआई ले आओ तो बहुत अच्छी बात है फिर ओके। देखिए ब्रिक्स में वही है रशिया और चाइना है और चाइना मेन है ब्रिक्स में भी चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका प्रॉफिट हो और रशिया का प्रॉफिट हो। दे डोंट केयर अबाउट इंडिया टू बी फ्रैंक। तो पता चल जाएगा हाँ टाइम से पता चल जाएगा पर ये अच्छा है कि मोदी जी कह रहे हैं अभी कल ही बात हुई है मोदी जी से और मोदी जी बार बार यही दिखाते हैं लड़ाई से जाना तो पड़ेगा क्योंकि जाओगे तो इनकी जो भी बात फोर्स डालिए हाँ वही रिजेक्ट करिए सब चीजें जहाँ पे लग रहा है चाइना हीरो बन रहा है वहाँ रिजेक्ट करिए बोले नहीं जहाँ पे भी लगे चाइना हीरो बनने वाला है वहाँ पे पूरा उसमें अड़ंगा डालो एंड मेक श्योर करो कि वो आगे नहीं हो। एग्जैक्टली इसलिए जाना इम्पोर्टेंट भी होगा। एग्जैक्टली और पाकिस्तान का भी बन रोकना है तो उसके लिए जाना ही है। एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बॉटरी ना हो। और दूसरा ये जो बोल रहा है ना ये तो पाकिस्तान वाले जो हैं ये तो चाहेंगे कि चाइनीज का कोई सिस्टम आ जाए पैसों वैसों से रिलेटेड और चाइनीज हाँ वो ब्रिक्स में कोशिश होगी ब्रिक्स में रशिया और चाइना आर गोइंग टू मेक देयर ओन सिस्टम और रशिया को भी चाहिए ये सिस्टम तो इन दोनों का कोशिश तो यही होगी पर इंडिया के लिए ये अभी फायदेमंद नहीं है। हाँ यूपीआई ले आओ तो बहुत अच्छी बात है फिर ओके। देखिए ब्रिक्स में वही है रशिया और चाइना है और चाइना मेन है ब्रिक्स में भी चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका प्रॉफिट हो और रशिया का प्रॉफिट हो। दे डोंट केयर अबाउट इंडिया टू बी फ्रैंक। तो पता चल जाएगा हाँ टाइम से पता चल जाएगा पर ये अच्छा है कि मोदी जी कह रहे हैं अभी कल ही बात हुई है मोदी जी से और मोदी जी बार बार यही दिखाते हैं लड़ाई से जाना तो पड़ेगा क्योंकि जाओगे तो इनकी जो भी बात फोर्स डालिए हाँ वही रिजेक्ट करिए सब चीजें जहाँ पे लग रहा है चाइना हीरो बन रहा है वहाँ रिजेक्ट करिए बोले नहीं जहाँ पे भी लगे चाइना हीरो बनने वाला है वहाँ पे पूरा उसमें अड़ंगा डालो एंड मेक श्योर करो कि वो आगे नहीं। एग्जैक्टली इसलिए जाना इम्पोर्टेंट भी होगा। एग्जैक्टली और पाकिस्तान का भी बन रोकना है तो उसके लिए जाना ही है। एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए। तो चलो गाइस आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।